हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए साइंस के 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अच्छे से आप लोग याद कर लेना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इधर उधर उझाने में, पूरा का पूरा आपका टाइम लगाऊंगा क्वेश्चन को बताकर इसको अच्छे से याद कराने में, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ होता है और वक्रता त्रिज्या आर होता है, स्मॉल आर भी मान सकते हो, और इन दोनों के बीच संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो अगर आप चाहो ना तो इसको टू एफ बराबर आर भी कर सकते हो, क्योंकि दो जाकर एफ में गुणा होता है टू एफ हो जाएगा, तो बराबर हमें आपका आर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी में यही वाला दिया है आपका रूप, तो यही वाला आप लोग रूप टिक लगाना। अगर ये वाला रूप दिया होता तो ये वाला रूप हम लोग टिक लगाते, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन है। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है ना कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो पता है क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर आर बाई टू होता है। आपको मैंने अभी क्या बताया कि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू होता है। तो जो हमारा फोकस दूरी है ना वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या आपका 10 है तो फोकस दूरी इसका आधा क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, कट जाएगा 5 बार में आधा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारे पास चार नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस से। क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा फोकस से। कह रहा है कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है पाँच नंबर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच है ना कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सीधा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता है? सीधा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पाँच का आंसर सी और एक आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। कहीं भी रखोगे प्रतिबिंब का साइज सेम बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में अवतल में भी बनता है, ठीक है ना। तो अवतल में भी आपका सीधा बनेगा, लेकिन कह रहा है कि कहीं भी रखने पर ना, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा समतल दर्पण प्लेन मिरर, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना वो संभव होता है तो केवल प्रिज्म में ही संभव होता है, ठीक है ना। और एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, तो 6 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। आपका सातवां नंबर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो बाबू हमारा लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, 1/f, चूँकि दोस्तों लेंस हमारा उत्तल है इसलिए जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा? प्लस में होगा। अगर फोकस दूरी प्लस में है तो हमारा लेंस की क्षमता भी क्या होगा? प्लस में ही होगा। तो P बराबर 1/f का मान 1 दिया है, यानी कि 1D हो जाएगा आपका 1D, यानी कि आपका आंसर होगा बी नंबर। माइनस में 1D नहीं होगा, प्लस में 1D होगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि एफ बराबर बाबू आर बाई टू होता है। तो एफ बराबर आर का मान आपका कितना है? 50 है ना, तो 50/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। तो 25 यहाँ पर सी नंबर में दिया है ना, तो बाबू आपका आंसर हो जाएगा 9 का C नंबर हो जाएगा, 9 का C नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। अभी हमें मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन देखो सी में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है प्लस माइनस दोनों होता है। नहीं, आपका आंसर केवल प्लस होगा, ठीक है ना, केवल प्लस होगा। अगला हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है ना वो किस में होता है, यानी कि प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो किस में होता है? तो कांच में होता है। कांच में सबसे न्यूनतम वेग होता है
प्रकाश का, ठीक है ना, स्पीड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारा 12 का आंसर क्या मिल जाएगा, मिट्टी। मिट्टी हो गया, पित्तल हो गया, इन सभी का हम लोग उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 12 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अब हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन आ गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, और काल्पनिक का एक और नाम होता है, उसको हम लोग आभासी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना काल्पनिक हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो ये कितने लड़के बताएंगे, मैंने आपको बताया था ना कि सबसे अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो होगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो क्या गोलीय होगा या फिर समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि इसका आंसर बी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से कमेंट करिए, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है ना। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अरे वाह क्या बात है, सबका सही है, ठीक है ना। हाँ समझ गए हो ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, अच्छा उत्तल, वाह। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 नंबर कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, तो बाबू आपको कैसे बनाना है, आप कैसे बनाओगे जल्दी से बताओ। तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी आप लोग कमेंट करो, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है ना। क्योंकि पी बराबर 1/f होता है ना बाबू, 1/f होता है। तो क्षमता हमारा दिया है, हमारा 5 दिया ना, क्षमता दिया है हमारा कितना, तो हमारा क्षमता दिया है ऑलरेडी हमारा 4D, ठीक है ना। तो P के जगह पर 4 रख दो, 4D रख दो, और बराबर में आप लोग 1F रख दो, 1F रख दो। जब F बाहर निकलेगा तो 1/4D नीचे हो जाएगा। तो जब D को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं ना, तो ऊपर हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है ना, तो 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा D नंबर वाला। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे से पहले बताया कि नहीं बताया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर मेरे से पहले बताओ। तो यदि उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो पहले आपको ध्यान रखना है लेंस हमारा उत्तल है, तो क्षमता भी प्लस में होगा और फोकस दूरी भी प्लस में होगा, मतलब कि इसका आंसर बी और सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस दिया है और माइनस से कभी हो नहीं सकता है। तो जब हमारा पी बराबर 1/f होता है तो फोकसांतर आपको दे दिया है कितना, 50 दे दिया है, चूंकि सेंटीमीटर में है। तो जब इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा डायोप्टर प्रति मीटर में होता है, तो हमको मीटर में अगर चेंज करना है प्रति मीटर में, तो आपको यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये डायोप्टर में चेंज होगा। तो 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, तो P बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो आपके पास 2D बचा, ठीक है ना। तो 2D आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर वाला होगा कि नहीं होगा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। अभी मैंने आपको बताया ना कि अवतल दर्पण से वस्तु का कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना। तो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D यानी कि 2 डायोप्टर, तो लेंस का फोकसांतर। तो बाबू यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर लेंस हमारा कौन सा है, लेंस का यहाँ पर नाव निशान नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा दिया है हमारा P बराबर 1/f होता है, तो अगर यहाँ से हम F का मान निकालते हैं तो 1/p हो जाएगा, और 1/p का मान 2D दिया है। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और 2 से 100 हमारा 50 बार में कट जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर मिलना चाहिए। 50 सेंटीमीटर नहीं दिया है छोटू, यहाँ पर देखो तो 50 सेंटीमीटर नहीं दिया है ना, 50 सेंटीमीटर नहीं दिया है ना। तो आप इसका आंसर एक काम करो, डी नंबर में हमको लगता है कि 0 छूट गया, ठीक है ना। फोकसांतर पूछा है ना, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका छूटा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 50 होगा, 50 ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं छोड़ दिया, लेकिन छोटू मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर की अभिलंब के निकट, अभिलंब की ओर यानी कि अभिलंब के निकट, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह संभवतः दर्पण है, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
भी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है ना वो उत्तल का होता है, ठीक है ना, किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग फोटो वोटो खींचते हो ना, जैसे कि बड़ा बड़ा DSLR कैमरा वगैरह आप लोग खरीद कर फोटो वोटो खींचते हो ना, ठीक है ना, वही बात कर रहे हैं। अब देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे ना, आप जब गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे तो साइड लेते समय आप अपना हाथ निकालते होंगे। अगर हाथ निकालते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बाइक में ना इंडिकेटर लगा हुआ होता है दाहिने का, ठीक है ना, तो इंडिकेटर को आप चालू कर दीजिएगा। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, ये क्वेश्चन है ना कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बाबू अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 दिया है, कितना दिया 10 दिया है, चलो 10 दिया, और उसकी वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि f बराबर r/2 होता है, कितना होता है, r/2 होता है। तो जब आप यहाँ से r का मान निकालेंगे, जैसे कि r का मान निकालेंगे तो r बराबर 2f होगा ना, 2f होगा ना, 2f त्रिज्या त्रिज्या गुणा हो जाएगा। अब दो गुणे एक मिनट छोटू इसको हटा देने दो, दो गुणे हमारा f का मान कितना है 10 है, तो 10 रख दीजिए। अब 2 में 10 में गुणा करिएगा तो 20 मिल जाएगा, तो r का मान क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, r का मान एक मिनट 20 मिलेगा ना, फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है ना, r/2 होता है, तो आपका 20 ना मिलेगा, देख लो 20 नहीं मिलेगा ना, हाँ 20 मिल गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin i/sin r, क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, sin i/sin r हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है 27 नंबर, ये क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 27 का आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, एक मिनट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, निर्गत कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कह रहा है निर्गत कोण और अभिलंब के बीच कह रहा है ना, तो यहाँ पर आपका परिवर्तन कोण होगा, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है ना, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास है ना 28 नंबर, और उसका परिवर्तन कोण होगा, याद रखना, ठीक है ना। एक अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल नहीं उत्तल है, तो अगर लेंस उत्तल है तो पी बराबर आपका 1D हो जाएगा प्लस में, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो एक बात बोलिए कि पी बराबर 1/f होता है, चलो ठीक है, जब f बराबर बाहर निकालेंगे तो 1/p और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/ p का मान 1D है, तो 1D रखेंगे, जब इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, मतलब कि 1 × 100 यानी कि 100, तो आपका प्लस में 100 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है, तो प्लस में 100 मिलेगा। अब माइनस में 100 तो आप लोग कह नहीं सकते हो, ठीक है ना। अगला मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की ही होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल लेंस की फोकस दूरी होती है ना वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। तो आप लोग सी नंबर पर टिक मत लगा देना, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 आ गया कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगा, लगभग अपवर्तित रहता है ना, शायद इसका आंसर अपवर्तित हो। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेने दो, एक मिनट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस, हाँ अपवर्तित रहता है, ठीक है ना, नहीं कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा सिर्फ और सिर्फ किस लेंस के द्वारा बनता है, लेंस यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखना, अगर लेंस आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग भी थोड़ा सा मिसप्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा बनता है तो उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में ही ना बनता है छोटू, उत्तल लेंस में सिर्फ काल्पनिक बनता है और अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है ना। एक बार देखो तो इस क्वेश्चन को,
तो यहाँ पर छोटू आपका उत्तल तब होगा ना जब आपका दर्पण कहे, तो यहाँ पर आपका उत्तल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेंस कह रहा है ना, लेंस कह रहा है तो आपका अवतल होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सिर बनता है और उसी का अपोजिट हो जाता है अवतल, तो अवतल में केवल आपका काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पर आपका दर्पण है ना, दर्पण, अब यहाँ पर दर्पण की बात कर रहे हैं, धनात्मक फोकस दूरी तो आपका उत्तल दर्पण का होगा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा, अवतल का ऋणात्मक होगा, समतल का इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, 34 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा, तो आपको आपतन कोण का मान बताना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 50 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा 50 डिग्री, ठीक है ना। अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक होता है एफ और एक होता है 2F, यही दो फोकस होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो वी बटे यू होता है, यानी कि एम आपका आवर्धन हो गया तो एम बराबर वी बटे यू, तो वी बटे यू आपको डी नंबर में दिया गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना वो आपका अवतल का होता है, ठीक है ना, किसका होता है, अवतल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, क्या होती है, तो आपको ठीक लगाना है आधी पर, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक और आया, ये जबरदस्त क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है जिसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं, नहीं तो हिंदी में लिखा होगा डायोप्टर तो आप लोग डायोप्टर पर ठीक लगाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा। देखो एक्चुअली में लेंस की क्षमता जो होती है ना वो डायोप्टर होती है, और डायोप्टर बराबर क्या होता है, प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर होता है, आप प्रति मीटर को 1/m भी लिख सकते हो, 1/m भी लिख सकते हो, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आपको देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा, यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा, वस्तु के बराबर हमेशा रहेगा तो दर्पण कौन सा हो जाएगा, आपका समतल हो, नहीं, एक मिनट, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल तो होगा नहीं, अवतल भी नहीं होगा, हमारा समतल ही ना होगा, समतल होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा प्रकाश के प्रकीर्णन को, किसको, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है ना, जैसे बहुत नहीं होता है डाउट होता है, कभी कभी हम लोगों से भी कभी कभी बाय द वे मिस्टेक हो जाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कमेंट करके बता दोगे ना तो मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को अपने बुक्स को निकाल कर अच्छे से रीड करके आपको इसमें कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, आप लोग भी अच्छे से पढ़ पाओगे और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग गौर करना, ठीक है ना, कमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो कमेंट बॉक्स बनाया गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।